महोदय, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो काला धन इस समय हमारे देश के अंदर है, उसका खात्मा हमारे कामों से नहीं हो सकता है। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं कि अगर इस काले धन को समाप्त करना है तो सरकार को देश में डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से इस बीमारी को, काले धन की बीमारी को दूर किया जा सकता है और इससे कम में यह चीज़ दूर होने वाली नहीं। आज देश के अंदर जो महंगाई है, आज देश के अंदर योजना के संबंध में जो खतरा पैदा हो गया है, हमारी मूल्य नियंत्रण संबंधी जो नीति है वह असफल होने जा रही है। तो अगर सरकार सचमुच में इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सचमुच में योजना को बचाना चाहती है और मूल्यों पर नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहती है, तो देश के अंदर जो काला धन है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन के अलावा और कोई दूसरा कदम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। उपसभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज देश में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वह केवल ब्लैक मार्केट को लेकर है। यह जो काला बाजार देश में चल रहा है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं और इस काले बाजार के पीछे ब्लैक मनी है। अभी जो शासन करने वाली सरकार है वह दो तरह की बातें करती है। शायद सरकार आज की स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन एक तरफ तो पावर में रहने का हौसला है और इसके लिए जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है वह खर्च करती रहती है। जब तक यह हौसला बना रहेगा तब तक हमारे देश में काला धन नहीं जा सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन के ज़माने में देखा कि उसने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपया दिया था, यह मेरी जानकारी है। करीब करीब 2-2 लाख रुपया एक एक उम्मीदवार के ऊपर खर्च करने के लिए मिला। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीतकर शासन में कायम रखने के लिए जो पार्टी 2-2 लाख रुपया एक साधारण उम्मीदवार पर खर्च करती है, वह जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उन पर कितना खर्च करती होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आखिर यह रुपया कहां से आता है? ओपन मार्केट से तो यह रुपया नहीं आता। वह रुपया आएगा तो उसी ब्लैक मनी में से आएगा जो गवर्नमेंट अपने चुनाव को लड़ने के लिए इस तरह का चंदा करना चाहती है। निश्चित तरीके से वह देश में चाहती है कि ब्लैक मनी कायम रहे जिससे उसका भी शासन कायम रहे। इसको रोकने का क्या उपाय होगा? इसी को रोकने के उपाय करने हेतु यह विधेयक है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि हमारे सामने हर साल घाटे का बजट आता है और कोई ना कोई नया टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मजदूर भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस तरह से कई दिनों तक यह झगड़ा चलता रहता है जिससे देश में कोई उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी उस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें यह बतलाया जाता है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है और इसकी वजह से नए नए टैक्स अगले साल आ रहे हैं तो लगाने जरूरी हो जाते हैं। मैं एक देहात का आदमी हूं। देहात के आदमी को
इस बजट को देखने से कोई आशा मालूम नहीं देती। वह इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं देखता जिससे अगले साल देहातों में कोई नई योजना शुरू की जाएगी ताकि उनके जीवन के आय व्यय में सुधार हो सके तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। सरकार अगर अपनी आमदनी को अच्छी तरह से उपभोग करती तो सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपने प्रशासन के ऊपर जो खर्च करती है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं अपने प्रदेश के देहातों की बात करता हूँ। मैंने देखा है कि पहले हमारे 25-30 गांव के बने एक सर्किल में एक ही छोटा अफसर रहता था। अब तो वहाँ गांव में पंचायत का सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक है, ग्राम सेविका है और इस तरह के कई छोटे छोटे अफसर हो गए हैं। अब हमारे यहाँ सर्किल में नौकरी की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पंचायत समिति में और जिला परिषद में भी कई नौकर बढ़ गए हैं। ज़िले में डिप्टी कलेक्टर या कमिश्नर के वहाँ भी हद से ज़्यादा बड़े अधिकारी भरे हुए हैं। इतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब कोई नया बड़ा अफसर रखा जाता है या कोई नया दफ्तर खोला जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग और क्लर्क तथा चपरासी रखने पड़ते हैं। उनके भत्ते, उनकी मोटरें, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवरों का वेतन, इस तरह से सरकार का खर्चा बढ़ता ही चला जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं है। शासन को एक कमेटी बनाकर इस चीज़ की जांच करनी चाहिए ताकि अनावश्यक सरकारी खर्चे में कमी हो सके। इसलिए सरकार धन के दुरुपयोग को रोके।